शिक्षा का मंदिर है और अगर मंदिर की ही सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो बच्चे अच्छी शिक्षा कहाँ से ग्रहण करेंगे? क्या इस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं जाता है या प्रशासन सब कुछ देखने के बाद भी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है? ऐसे ही शिक्षा के मंदिर का मामला हमारे सामने विकासखंड तिरला के अंतर्गत ग्राम आहू के शासकीय माध्यमिक विद्यालय से हमारे सामने आ रहा है, जहां पर आए दिन पानी गिरने के कारण विद्यालय परिसर तालाब में तब्दील हो जाता है, जिसके कारण बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो विद्यालय में घुटनों तक पानी खड़ा हो जाता है, जिसके अंदर से निकलकर बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं। यह एक बड़ी विडंबना है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि शिक्षा स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार के दायित्व का निर्वाह किया जाएगा, किंतु धरातल पर वास्तविकता तो कुछ और ही होती है। इस वर्ष कुछ दिनों पहले अत्यधिक बारिश के कारण विद्यालय में पानी भरने के कारण विद्यालय के दस्तावेज रिकॉर्ड भी जलमग्न हो गए थे। महीने में तकरीबन 10 से 12 बार विद्यालय में जल जमाव हो जाता है। पंचायत विभाग को कई बार विद्यालय की ओर से पत्र के माध्यम से अवगत कर दिया गया, परंतु किसी भी अधिकारी के सिर पर जू तक नहीं रेंगती। और तो और कहीं जनप्रतिनिधि भी इस विद्यालय पर आ चुके हैं, किंतु आज तक इस समस्या का समाधान ही नहीं हो पाया है। इस समस्या पर जनप्रतिनिधि व शासन द्वारा अगर ध्यान नहीं दिया गया तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।